मेजर थे मेजर एड डेम्स ठीक है तो डॉक्टर मोइज माय फादर इज द ओनली पाकिस्तानी जिन्होंने उनसे सीखा है उन्होंने हमारी मिलिट्री के लिए सीखा था क्योंकि इंडिया के पास एक यूनिट आ गया था ठीक है हर एक सीआईए एजेंट के पास मतलब जिनकी यूनिट्स होती है ना उनके पास आर्मी का यूनिट है जो बताता है कि कितने बॉम्ब्स कहां पर है उनकी प्रिडिक्शन इंट्यूशन 95% क्लियर होती है टीम के आपने उनका नंबर ले लिया है बच्चों ठीक है अब आई होप हाँ थैंक यू सो मच तो अब उसमें ये होगा कि हमसे कांटेक्ट करें हमारे आर्मी का यूनिट बैठता है 5-6 लोग बैठते हैं साथ में जिनके बेटे के नाम को उस वक्त लेंगे इनको पूछेंगे उस वक्त क्या हालात थे क्या मौसम था उस हिसाब से 95% तक हम प्रिडिक्ट करके ये बता सकते हैं कि इस वक्त बच्चा कहाँ मौजूद है जिंदा है अल्लाह करे जिंदा इंशाल्लाह ना है किस हालात में किधर है किसी ने अगवा किया है क्या आई थिंक बिकॉज उसका दिमागी तवाज़ुन उन्होंने कहा कि कुछ हद तक सही है इस वजह से आई वी जस्ट होप तमाम लोग भाई अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे अगर आपके किसी घर में कोई ऐसा बच्चा है इवन तो बच्चे जो बिल्कुल ही सही है आप उसको एटलीस्ट अपने घर का नंबर याद करा दें जी हाँ फोन नंबर याद करा दें कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो तो वो आपको कॉल कर सके हाँ और अगर बच्चा जरा कभी दिमागी तवाजुन उसका कहीं से भी थोड़ी सी आपको समझ लगता है कि वो ठीक नहीं है या कमी है तो प्लीज उसको ना भेजें उसको अपनी आंखों से दूर ना होने दें क्योंकि औलाद का दुख जो होता है किसी का भी अपने का दुख गुम होने का वैसे ही काबिले बर्दाश्त नहीं है लेकिन औलाद को तो वैसे ही नहीं है और सुबह हमने एक और एक ऐसी खबर सुनी कि वो बुरी जो तलाश थी वो बुरे उस पर एंड पर खत्म हुई अल्लाह करे ऐसा हो अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी की औलाद ना गुमे कभी भी हमारे साथ एक और कॉल रहे अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सुमैरा है कहाँ से झंग से बात कर रही है कैसे सुमैरा आप जी बहन क्या कहेंगी आपकी आवाज इतनी कट रही थी कि मुझे मतलब समझ में आया कि बीकॉम की स्टूडेंट है फाइनल की ईयर की स्टूडेंट है और मुझे आगे बिल्कुल समझ नहीं आया बिकॉज आवाज आपकी बहुत कट रही थी बहुत माजरत मैम दोबारा ट्राई कर लीजिए कि आप क्या पूछना चाह रही थी तो उससे और क्लियर हो जाएगा जी मैम क्या कहेंगी नाम बताइएगा अपना आपका माशाल्लाह बहुत स्माइलिंग और बहुत प्लेजेंट आपकी जो है वो आपकी पर्सनालिटी है थैंक यू माया अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछना था तोते से तोते से आज तोता इंटरनेशनल डे इंटरनेशनल है बालों का दिन है सांप का दिन हमने मना लिया भाभी का तोते का भी डे हम मनाएंगे इंशाल्लाह होगा हिस्ट्री में हर एक का दिन है आप जाते गूगल सर्च पे जाएं आप हर दिन हर चीज का दिन मनाया जाता है मतलब नेल सक का दिन है मतलब अजीब अजीब डे है आए भाईजान तोते बाहर आ जाओ ऐसा शाबाश मुझे 30 साल का भी होगा मेरी शादी कब होगी और मेरे हस्बैंड मुझसे कितना प्यार ये सवाल किया है इतने प्यारे चेहरे से बहुत करेंगे हाँ इतने प्यारे चेहरे का नाम मुझे याद नहीं रहा जहरा जहरा का भी चेक करें शादी कब होगी और शोहर कितना प्यार करेंगे भाई रमजान ये सर हम पढ़ेंगे साल तो वही पुराने वाला हाँ मैं पढ़ूं दोबारा से अच्छा जी जिसकी मुलाकात में तुम परेशान हो उनसे जरूर मुलाकात होगी मुलाकात होगी थोड़ी सी मेहनत और कोशिश के बाद राहत होगी ये वक्त तुम्हारी आरजुओं के लिए बहुत मुबारक है जिस इंसान को बहुत मोहब्बत तुम्हारे दिल में है वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा फिक्र ना करो जरा फिक्र ना करो हाँ मिल गया मुनीबा है लाहौर से अस्सलाम वालेकुम मुनीबा जी मुनीबा थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा जिगर लगाए यार हाँ जी आवाज तो आ रही लेकिन कम आ रही नहीं समझ बात समझ नहीं आ रही आपकी कैसे मैं ठीक हूँ भाई ना आवाज कैसी है मुनीबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे दो मुझसे ध्यान देने थे मैं बहुत मेरी वार्ता बहुत परेशान है इस वजह से वो ये है कि ना मेरे भाई का रिश्ता क्या नाम है आपके हम देखते हैं अच्छा चले जाते हैं ना अच्छा। हम लोग देखते हैं या किसी वजह से कोई जवाब नहीं आता इसी तरह मेरी सिस्टर का भी यही मसला है कि उनका रिश्ता आता है और देख के चले जाता है फिर पीछे कोई जवाब नहीं देता मुझे इसके बारे में सवाल निकलवाने अच्छा बहन आई रियली विश के दोनों हो सकती है लेकिन आप कोई एक सवाल अगर कर लें थोड़ा सा आसान होगा बिकॉज हमारी डिस्कशन अभी चल रही है और थोड़ी देर बाद वो खत्म होने वाली है तो कोई एक सवाल आप कर सकती हैं जी भाई रिश्ते के बारे में आपके रिश्ते के बारे में भाई के भाई से भाई के रिश्ते के बारे में भाई का नाम क्या है बहन भाई आपके भाई अल्लाह सारी इंफॉर्मेशन हो गई भाई का नाम रह गया क्या हम ये कह सकते हैं रमजान भाई के मुनीबा के भाई का फाल निकाल लो ऐसा हो सकता है तो चलो कर ले करके देखते हैं वन थिंग आई वांट यू नोटिस वन थिंग ओके मुनीबा के भाई का फाल निकालो मुनीबा विल टैप समवेयर इन द टिका विल पिक इट फ्रॉम देयर आज तक क्या होगा आगे नहीं आता इधर ही पिक दो ना साउंड का कहां से कुछ उठा ओह
ये साल कहते हैं ये साल तेरा मुबारक है। अच्छा, आपकी गर्दिश बहुत जल्द खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। मुसीबतों के बाद छुट जाएंगे, नई नई उम्मीदें पैदा हो जाएंगी। अच्छा, जो लोग आपके मुखालिफ है वो अपने मकर इरादे में नाकाम रहेंगे और उन्हें बहुत जल्द शिकस्त होगी। अच्छा, और आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वाह वाह। अच्छा, अब ये बार इनको मैं इनको जरा सजेस्ट करूंगी, हाँ। कि इनका जो भाई है, हाँ, वो जाके अपनी दलचा बनवाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिला नहीं, मैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनाए, क्योंकि हो सकता है इनकी 60-70 चल रही हो। Okay. मैंने कहा साइंस के ऊपर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो चीजों को, बिलीव भी करने की जरूरत है आपको। हम कहते हैं कि ना इस्लामिक नहीं है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, ये मैं नहीं कह रही कि इस्लामिक है या नहीं। हाँ, मैं ये कह रही हूँ अगर आपको किसी ने कोई प्रिडिक्शन दे दी और अगर उसपे आपने तवक्कुल कर लिया उसका, हाँ, कि प्रिडिक्शन बिल्कुल ठीक है, पता है अल्टीमेटली, तो ये शिर्क में आ जाएगा। अगर आप उस पर बिल्कुल भरोसा कर देगा अभी अल्टीमेट है, ठीक, लेकिन आपने सुन लिया एक ब्लड टेस्ट की तरह, प्रिकॉशन लिया, यू जस्ट मूव द हेड। एनी क्वेश्चन दो क्वेश्चन है जी, एक तो माइक नीचे भी है ना आप लोगों को, दोनों माइक खवातीन ने घेर लिए, घेर लिए, मैंने सुना है बोलने में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है खवातीन का, पूछना है तो आपने पूछना है। अच्छा, मैं जहरा से सवाल करूंगी, जहरा के जो आया वो सही है, मतलब लव ऑफ योर लाइफ मिल गया आपको? शादी भी होगी, शादी भी होगी, प्यार करती थी? अरे वाह, टेस्ट कर रही थी, असल में ये चेक कर रही थी। अच्छा, तोते का टेस्ट था भाई, कहां गया? हेलो, किधर गया? अच्छा, आराम से चला गया। अच्छा जी, और कौन है, आपने पता करवाने कुछ? हाल मुझे पता नहीं करवाना, इन्हीं की बात को मैं आगे लेके चलूंगा। हाँ, कि हमारे एरिया में एक ऐसी फीमेल थी, हाँ, कि उनकी इतनी गलत काउंसलिंग हुई थी, असल में उनका एक किडनी निकाल ली गई थी, तो किसी ने ऐसी हाल बताने वाले ने, हाँ, उनको ये बोला कि अगर आपकी डिलीवरी होगी ना, हाँ, तो आपकी डेथ हो जाएगी। हाय, और उस औरत की डिलीवरी हुई लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी उसके जहन में ये बात इतनी बैठ गई कि नहीं, मैं तो मरूंगी, मैं तो मरूंगी। और उसकी मैंने पर्सनली भी मैंने बहुत काउंसलिंग की, उसकी कि नहीं ऐसा नहीं है, किडनी के साथ भी लोग बहुत ज्यादा रह रहे हैं। हाँ, लेकिन उसकी वो बात उसके जहन में ऐसे बैठ गई, घर कर गई, कि 2-3 महीने बाद शी कमिट सुसाइड। मैं यही कहना चाहूंगा, जो तोता फाल वगैरह या जो भी जो निकालते हैं किस्मत का हाल बताते हैं, तो मतलब उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गलत काउंसलिंग ना करें, तबाह हो जाती है। और सोचे वो खातून सिर्फ इस वजह से बिकॉज उनकी अपने विल पावर स्ट्रांग नहीं थी, उनका अपना जो वहम या जो एक अजम्पशंस करने का जो होता है ना, आपका मादा आपके इंसान हर एक इंसान के अंदर होता है, हम सब वहमी कहीं ना कहीं थोड़े से होते हैं, लेकिन यार अगर एक किसी का कहा हुआ आपने उसको तारी कर ले, उसको बकायदा अल्लाह माफ करे, हर से आखिर समझ ले, तो इसका कोई इलाज नहीं। देखिए, हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए, बीइंग अ मुस्लिम और एनी रिलीजन, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी मौत और जिंदगी, ये दो चीजें जो फिक्स है, हम कब पैदा हो ये फिक्स है, मौत का दिन वो फिक्स है, इसके अलावा बीच में जो सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, जो चीज फिक्स है, उसके बारे में रोने से या डरने से कोई फायदा नहीं। दूसरा ये कि आपको कोई भी आपके प्रेडिक्शन करे, मैं हूँ, आप हो, मैं आप टैरो कार्ड से कर सकती हूँ, मैं रमल से या तोता करता है, हाँ, आपकी अगर जात उस जात पे जिसने आपको बनाया उस पर आपका तवक्कुल है, तो आप उस एक चीज को एज अ साइन लेके चल सकते हो, एज अ प्रिकॉशन लेके चल सकते हो, लेकिन जैसे उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली, उनके माइंड में एक चीज मान ली मरने वाली, उन्होंने मान ली चीज को, उनका बिलीव समझ लिया, उनका बिलीव इतना स्ट्रांग था कि उस बिलीव में कोई और चीज मानना, जैसे दिन और रात, दिन और रात सच चीज है ना, उन्होंने उसको भी सच मानना शुरू कर दिया। मैं बस वक्त बड़ा कम रह गया, मैम आप अपना नाम बताइए और आपने पता करवाने बहुत देर से आप इंतजार करी, बहुत नाजुक। मेरा नाम शैला है। शैला, और आप क्या पता करवाना चाहेंगी? जी ना, अपने भाई का मालूम करवाना था। अच्छा, मेरे भाई का नाम मुर्तजा है। और क्या पता करना था? इनका मालूम करवाना है कि इनकी शादी कब होगी, और रिलेटिव में होगी आउट ऑफ रिलेटिव। आजकल भाइयों की शादी के लिए काफी लोग परेशान लग रहे हैं, अपनी होगी, अपनी मेरा नाम लुत्फुल्ला है। मैंने यही देखा है कि बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं, हाँ, जो अगर भाई की शादी होती है उसके बाद मतलब पेंडिंग होता है, उसकी शादी हो जाए उसके बाद उसकी शादी होगी। अच्छा,
नहीं भाई की शादी नहीं, भाई की शादी कब होगी? अच्छा किससे होगी? हो सकता है अपनी दोस्त से होनी है तो कहीं शैला के चक्कर तो नहीं आया। वो शैला इंतजार करे कि मैं भाई की शादी होगी तो मेरा नंबर यही तो जल्दी से तोते भाई शैला के भाई का नाम क्या? मुर्तजा। मुर्तजा का निकाले भाई जल्दी, मुर्तजा का निकाले, ये निकालने शैला का नंबर कब आएगा? शैला के भाई का नंबर कब आएगा? और शैला का उसके बाद आएगा कैसे कहते? अच्छा जी, नदी फाल कहते हैं कि आप अपने आकर सरकशी ना किया करो बल्कि आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। समझी? अच्छा हो जाएगी। अच्छा आगे क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तू शुक्र करेगा तो तेरे को नेमतें ज्यादा दूंगा और तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। हाय, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त आप किसी तकलीफ या किसी परेशानी में मुबतला है। क्या ऐसा सच है? नहीं, इतनी प्यारी आपके भाई किसी मुश्किल में है कि आपने मुर्तजा के नाम से लिखा कि भाई किसी मुश्किल में है, परेशान है थोड़े? ऐसा सच नहीं, लेकिन वो ठीक हो जाएगा उनका, फिक्र ना करे। आज तेरा नंबर भी आया कुड़ी, फिक्र ना कर। मैं भी अपने मेरे भिनोई है, निकल जाएगी। अच्छा हम लोग कर लेते हैं, सेशन कर लेते हैं, हमें पास कितना टाइम रह गया? बात मच्छू मिनट रह गए। अच्छा पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि विच इज के मुझे शुक्रिया अदा करना है आप लोगों का कि आप लोग वक्त निकाल के आए। सबसे ज्यादा जरूरी बात ही होती है कि आप लोग अपनी जिंदगी में से, अपने रूटीन में से कुछ घंटे निकाल के हमारे लिए आए। थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि कैसा रहा आज का सेशन जो आप लोगों के साथ? बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। माइक सर, मेरी पैसे तारीफ माइक में की जाती है, याद रखना। हमने यहाँ पर लर्न बहुत किया और ये कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था, एक्सपोजर अच्छा था। इनफैक्ट वी रिप्रेजेंटिंग आवर यूनिवर्सिटी टू, सो ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम भी अगर आप हमें अपॉर्चुनिटी देंगे तो वी डेफिनेटली आएंगे। जरूर आइए। आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आप लोगों को अप्रिशिएट किया। इतने एनर्जेटिक लोग, इतने एनर्जेटिक लोग। We just miss our like a visit as well, just because of this like a. Thank you so much, but I hope क्या ले क्या दोबारा मुलाकात। शुक्रिया आपका। थैंक यू अफगान भाई, तोते भाई, तोते कहाँ गया? तोता फिरने चला गया। ये पी फाल तोता, थैंक यू सो मच। और आप क्या कहेंगे सबको जो आपसे फाल निकलवाते हैं? बस उनका शुक्रिया अदा करूंगा, फाल सही निकल जाता, सही कह दें गलत तो गलत कह। लेकिन आपको करना जो कुछ अल्लाह ताला का ही होता है, अल्लाह ताला नहीं होता है। तो रमजान भाई कभी भी किसी को नेगेटिव चीज तो नहीं बताएंगे ना, बुरी चीज तो नहीं बताएंगे जो तुम? तोते वाले नहीं बताते, तोते नहीं बताते, दूसरे वाले तोते वाले लोग मजूमी जो होते हैं, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वरना सोचता रहे मेरे साथ क्या हो जाएगा, है ना? एग्जैक्टली। हाँ कुछ कहना भाई? तोते को बोलो अपनी किस्मत तो निकालो। What would you like to say कि हमने जो आज डिस्कशन किया है इस टॉपिक पर, आज क्या इसको क्या रैप अप? बस रैप अप यही करूंगी कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछें, आपका कोई भी बिलीव है, अल्लाह से बड़ा जो आपका क्रिएटर है उससे बड़ा कोई भी है, आप जाएं तफरी के लिए, जाएं चीजें पूछें, प्रिकॉशन ले लेना चाहते हैं तो, लेकिन किसी भी ऐसी चीज को जो आपको कोई एक इंसान जो आपकी तरह ही है, जो माध्यम, जो मतलब माध्यम से बना हुआ है, उसकी किसी भी बात की अल्टीमेट नहीं होती है। तोता हो गया, कोई जानवर हो गया, या फाल हो गया, या एस्ट्रोलॉजर हो गया, अल्टीमेट खुदा की जात के अलावा और कुछ भी नहीं। बेशक बेशक। तो ये भी एक हमारे सेशन था जो आपको रियलाइज कराना चाह रहे थे कि एक फाल जैसी चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में, हम चाहे मुंह अपना फेर ले, लेकिन है। अगर आप बड़ी मजेदार बात कर रही हूँ, काट रही हूँ, लेकिन जो भी सवाल कर रहा था दावत भाई आगे जो सवाल कर रहे थे आपका निकल रहा था, ठीक है। तो अगेन जिससे हमें कॉल भी आई कि आप ये क्यों कर रही हैं, तो ये इसीलिए था कि ये एक रियलिटी है दुनिया के अंदर जिसे हमें फेस करना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि रियलिटी है, तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना अपनी जिंदगी में। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अब तक हमारे साथ डिस्कशन में शामिल रहने का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे। पर्दे में आए दो कामरान मसूद से, तोता भाई को यहाँ कहते हैं खुदाफिस और मेरी लाइव ऑडियंस को उसको भी थैंक यू सो मच जी, थैंक यू ऑल, सी यू इंशाल्लाह वेरी शॉर्टली, थैंक यू।